Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. Today I'm going to introduce a new topic that is coding decoding. और ये बहुत important topic है, इससे question बनना must, means इससे बनता ही. इससे मैंने जब मैं introduction class दे रही थी तभी मैंने बताया था कि 5 question अगर 10 sets है तो 5 sets में तो आ ही जाता है. That means ये बहुत important topic है और ये 5 marks hold करता है. तो देखते हैं topic क्या है. कोडिंग डिकोडिंग. आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज मेक नोट्स, बिकॉज नोट्स बहुत हेल्प करता है. अगर आपको कभी भूल जाते हो आप तो रिविजन करने के लिए नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है. तो आप नोट्स बनाते जाओ और मैं बता रही हूँ. तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इसमें करना क्या होता है. तो इसमें कुछ भी गिवन होगा, एक कोड गिवन होगा और हम लोगों को उसको डिकोड करना है. ऑलराइट, तो उसके लिए स्टेप्स कुछ है. क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व द अल्फाबेट्स और नंबर गिवन इन द कोड. तो हम लोग का स्टेप वन क्या है, ऑब्जर्व लेटर्स और नंबर्स गिवन इन अ कोड. कोड में जो अल्फाबेट्स और नंबर गिवन उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग सबसे सबसे पहले. स्टेप टू, फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलोज. दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ऑब्जर्व द लेटर्स और नंबर्स गिवन इन द कोड. सेकेंड इज वी हैव टू फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलोज. हम लोग को डिटेक्ट करना होगा रूल, किस रूल पे वो अल्फाबेट और नंबर फॉलो हो रहा है. क्लियर है सबको? तो ये तो समझ गए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग होता क्या, करना क्या. अब इसके कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं. टाइप वन, लेटर कोडिंग. टाइप टू, नंबर कोडिंग. टाइप थ्री, सब्स्टिट्यूशन. टाइप फोर, सिंबॉलिक. एंड लास्ट मिक्स्ड. चलो सबको, तो ये 5 टाइप्स होता है कोडिंग डिकोडिंग का. लेटर बेस्ड मीन्स द नंबर बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन, सिंबॉलिक एंड मिक्स्ड. तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे लेटर कोडिंग. लेटर कोडिंग क्या है, तो हेडिंग डाल देंगे लेटर कोडिंग. जिस तरीके से हम लोग लेटर एनालॉगी पढ़े, लेटर सीरीज पढ़े, उसी तरीके से लेटर कोडिंग है. इसमें भी कुछ टाइप्स हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड सीक्वेंस लेटर कोडिंग. क्लियर है? और फॉरवर्ड तो अब आप लोग को सबको पता ही होगा, जिन्होंने मेरा पिछला क्लास किया हुआ है उनको पता होगा फॉरवर्ड इज ए टू जेड. दैट मीन्स लेफ्ट टू अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो होता है ए टू जेड, यानी कि फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड. क्लियर है सबको? तो आपको पोजिशन वाइज एंड लेटर्स याद होने चाहिए. क्लियर है सबको? तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप पकड़ लोगे कि करना क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इन सारे चैप्टर्स में थ्योरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट और उतना है भी नहीं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगी करना क्या, बहुत ईजी हो जाएगा हर कुछ. पहला एग्जाम्पल, गुड इज इक्वल्स टू गुड इज कोडेड एज एच पी पी ई.
का कोड फाइंड करना, फाइंड द कोड ऑफ बोल्ट मींस इस क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहेगा इस टाइप में कि कोडेड रहेगा एक कोड और एक कोड को आपको उसको पहले डिकोड करना होगा और सेम कोड पे फिर एक कोड बनाना होगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ क्या हुआ, इस यहाँ पे था गुड इज कोडेड एज HPPE सेम एज बोल्ट, बोल्ट भी उसी में कोडेड होगा। तो बोल्ट का कोड फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसका उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिकोड करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या टाइप है? तो अभी मैंने बोला फॉरवर्ड सीक्वेंस भी है, फॉरवर्ड सीक्वेंस पे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ क्या होगा, GOD, हियर यू कैन सी जी के बाद क्या आता है H, दैट मीन्स +1। नेक्स्ट O के बाद P, हियर अगेन +1, यहाँ पे फिर P है दैट मीन्स यहाँ भी +1, और यहाँ E आता है D के बाद दैट मीन्स +1, यानी कि यहाँ पे +1 सीक्वेंस, सीक्वेंस इन द सेंस ये कोडेड है फॉरवर्ड बेस्ड में +1, दैट मीन्स G को H लिखा गया है, O को P, फिर O को P, D को E, दैट मीन्स +1 किया गया। तो हम लोग बोल्ट को भी सिमिलरली कोड करेंगे, BCPME, B में +1 के तो C, O में +1 के तो P, L में +1 के तो M एंड D में +1 के तो E, दैट मीन्स यहाँ का कोड हो जाएगा CPME। क्लियर सबको? आप लोग नोट करो। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हॉग इज कोडेड एज JSV, फाइंड द कोड ऑफ नेट। तो यहां क्या करेंगे, यहां चेक करते हैं JSV में कोडेड है और ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे अपना लॉजिक। तो यहाँ क्या है, H +2, H में +2 करते हैं J, O में +4 करते हैं S, P में +6 करते हैं तो V, सिमिलरली सेम कोड अप्लाई करेंगे सेम रूल उसके लिए। तो नेट पे करेंगे +2 तो मिलेगा P, E पे करेंगे +4 तो मिलेगा I, और T में करेंगे +6 तो मिलेगा Z। दैट मीन्स इफ कोड ऑफ हॉप इज JSV देन द कोड ऑफ नेट इज PIZ। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस मिला हम लोगों को, तो यहाँ पे इवन ऑर्डर था 2 4 6। हम लोग सीरीज में भी पढ़े थे और हम लोग एनालॉगी में भी पढ़े थे कुछ इवन सीक्वेंस होता है ऑड सीक्वेंस होता है, बताया था ना मैंने कि इवन सीक्वेंस होता है ऑड सीक्वेंस होता है प्राइम सीक्वेंस होता है। तो फॉरवर्ड सीक्वेंस है तो वही होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी अपना वो सारा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग और कोड निकालेंगे। क्लियर है सबको? तो एक और क्वेश्चन, डील इज कोडेड एज EHFS, फाइंड द कोड ऑफ टीम। तो यहां का कोड फाइंड करना हम लोगों को, Example 3। तो यहां हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन लेटर्स को ऑब्जर्व किया अगर, और हम लोग इसका सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे D में +1 करते हैं तो E, E में +3 करते हैं तो F, H, A में +5 करते हैं तो F एंड L में +7 करते हैं तो S, दैट मीन्स यहाँ पे ऑड सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सेम अप्लाई करेंगे हम लोग टीम के लिए, तो यहाँ भी +1 करेंगे टीम में U, E में +3, H,
ए में प्लस 5, एफ एंड एम में प्लस 7, तो टी। क्लियर है सबको? आप नोट करो, मैं साइड हो जाती। तो अभी हम लोग देखें फॉरवर्ड सीक्वेंस लेट अकॉर्डिंग। अब एक टाइप है बैकवर्ड सीक्वेंस लेट अकॉर्डिंग, तो इसका क्वेश्चंस देखते हैं। बैग इज कोडेड एज, ए वाई डी, देन फाइंड द कोड ऑफ हेयर। बैग इज कोडेड एज ए वाई डी, फाइंड द कोड ऑफ टिप। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या सीक्वेंस है। तो जब हम लोग बी में बैग, बी में माइनस 1 किए तो ए, ए में माइनस 2 किए तो वाई, जी में माइनस 3 किए तो डी। दैट मीन्स कंसेक्यूटिव सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बैकवर्ड में। तो यहां क्या करेंगे सेम, तो यहां हम लोग को मिलेगा जब टी में माइनस 1 करेंगे तो एस, आई में माइनस 2 करेंगे तो जी, पी में माइनस 3 करेंगे तो एम। अपलोड कर लें। तो ये तो बैकवर्ड सीक्वेंस लेटर कोडिंग का एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेम इज कोडेड एज एम जेड एल डी, फाइंड द कोड ऑफ सेम। यहां देखते हैं यहां क्या हुआ है। अभी हम लोग कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस देखे थे। इस क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है सेम नंबर माइनस है, दैट मीन्स यहां कॉन्सिक्यूटिव ना है, यहां सेम है। जैसे एन में माइनस 1 करते हैं तो एम, ए में माइनस 1 करते हैं तो जेड, एम में माइनस 1 करते हैं तो एल, एंड ई में माइनस 1 करते हैं तो डी। दैट मीन्स हम उसे अप्लाई करेंगे सेम के लिए। तो एस में माइनस 1 करेंगे तो आर, ए में माइनस 1 करेंगे तो जेड, एम में माइनस 1 करेंगे तो एल, एंड ई में माइनस 1 करेंगे तो डी। दैट मीन्स नेम का कोड हो गया एम जेड एल डी, देन सेम का कोड हो जाएगा आर जेड एल डी। क्लियर है सबको? तो यही भी खत्म होता है हमारा बैकवर्ड सीक्वेंस भी, क्योंकि जो फॉरवर्ड में होता है सिमिलरली बैकवर्ड में होता है। फॉरवर्ड में हम लोग बस एडिशन करते हैं, ए टू जेड करते हैं, पढ़ते हैं पोजिशंस, और बैकवर्ड में हम लोग जेड टू ए करते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था और यहाँ भी वही फॉलो होगा, क्योंकि बैकवर्ड सीक्वेंस एंड फॉरवर्ड सीक्वेंस इज सेम एज सीरीज एंड एनालॉग। क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।